गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा 1.2 हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अलजेब्रा का 1.2 बहुत इजी मतलब सबसे इजी। क्या करना है इसमें, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट्स। तो हमको बताना है कि सिंगलटन मतलब क्या होता है। जिस सेट के अंदर, कोई भी सेट ले लो, ए से लेकर जेड तक, किसी भी सेट के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, सिर्फ सिंगल, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिसके अंदर सिंगल, कुछ भी सिंगल हो, चाहे कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, न्यू दिल्ली, सबको मालूम है कि दिल्ली है। तो हमारा आंसर एक आया, दो आंसर नहीं है, एक ही आंसर आया। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई, एक ही आंसर आया, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन। उसके बाद चाहे वो जीरो ही क्यों ना आंसर आ जाए, अगर आंसर एक आएगा, कुछ भी एक एलिमेंट आएगा किसी सेट के अंदर, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन। अगर वो एक से ज़्यादा होंगे तो लिखना है, या एक से कम होंगे, मतलब अगर आंसर ही नहीं आएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे दिस इज नॉट अ सिंगलटन सेट, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 16, ठीक है। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 16, तो एक्स का आंसर लाने के लिए याद रखना, बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है, 80% बच्चे लोग गलतियाँ करते हैं। दोनों में फर्क है, देखना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा तो x इज इक्वल टू होता है 4। जब स्क्वायर रूट होता है तो हम लोग को स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट होगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट, हम लोग को नीचे आना है तो 16 का 4 हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे का भी 4 लिख देते हैं कि हाँ 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। गलत बात है, जब भी स्क्वायर रूट होगा, मतलब अगर ये अंदर होगा और उसको बाहर निकालना है तो करना पड़ता है स्क्वायर, याद रखना, तब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को काटता है और एक्स 4 का हो जाता है 16। तो इतना याद रखना, जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट लेना है, और जब स्क्वायर रूट में होगा तो स्क्वायर करना है, याद रखने का। ये कन्फ्यूजन 10th तक रहता है, और 10th में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं, तो बच्चों को अचानक, अभी इस साल बोर्ड में, इस साल 2020 में बोर्ड में लास्ट क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, जो बाहर का था, बाहर से था, और सारे बच्चों लोग ने अंडर रूट एक्स में 16 दिया था, सब ने 4 लिख के ही बोर्ड में आए हुए, अपने क्लास के भी 99% बच्चे लोग। तो कन्फ्यूज नहीं होना, स्क्वेयर होगा तो स्क्वेयर रूट लेना है, और स्क्वेयर रूट होगा तो स्क्वेयर करना है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 16 का स्क्वायर, ये इसको कट करेगा, ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256। पेपर में ये लिखना नहीं है, कैसे आया समझा रहा हूँ मैं। तो एक्स का आंसर 256 आया, मतलब कोई एक आंसर आया, कोई एक वैल्यू आई 256। तीन नंबर मत पर, बीच में कॉमा रहता तो तीन एलिमेंट होते, ये एक ही एलिमेंट है, तो दिस इज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, पेपर में ये नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है सिंगलटन है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लोगे, जब भी स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर में वैसा नहीं रहता है, स्क्वायर रूट में जब भी लोगे तब एक प्लस होता है, माइनस होता है। 36 है 6 का स्क्वायर, लेकिन वो प्लस का भी माइनस का भी, सब क्यों बेटा, 6 इंटू 6 कितना होता है 36, बट माइनस 6 इंटू माइनस 6 भी होता है 36, माइनस माइनस करने के बाद भी प्लस होता है 36, मतलब 36 दो बार कैसे आया, 6 इंटू 6 करने पर और माइनस 6 इंटू माइनस 6 करने पर भी आया, मतलब 36 के दो आंसर है, एक 6 है और एक माइनस 6 है, प्लस माइनस 6, प्लस 6 माइनस 6, मतलब जो तुम्हारे बी में जो एलिमेंट आ गए वो आ गए 6 एंड माइनस 6, और वो एक आंसर नहीं है, एक से ज्यादा है, तो दिस इज नॉट अ सिंगलटन। दिस इज नॉट अ सिंगलटन सेट। थर्ड पे आते हैं, पी क्यूब माइनस 8, क्यूब रूट में माइनस का आंसर माइनस रहता है, प्लस का आंसर प्लस रहता है। तो यहाँ पर टेकिंग क्यूब रूट करोगे तो पी का आंसर 8 किसका क्यूब है, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और ये माइनस 2 का है, मतलब पी का आंसर कितना आया, माइनस 2, एक ही आ गया, तो इसलिए
दिस इज अ सिंगलटन सेट. नेक्स्ट क्यू माइनस फोर ब्रैकेट का स्क्वायर जीरो, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या आएगा, क्यू माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे आपने प्लस और माइनस दिया, यहाँ पर भी प्लस माइनस दो. जीरो को कोई सिंबल नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है. तो जीरो का यहाँ पर प्लस माइनस देना नहीं है. क्यू जीरो माइनस क्या क्या हो जाएगा, प्लस. क्यू जीरो प्लस फोर क्या हो जाएगा, फोर. आंसर एक ही आया, एक ही आया. तो दिस इज अ सिंगलटन सेट, यहाँ पे लिख देने का सिंगलटन. आगे बढ़ते हैं, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स. और बहुत लोगों को डाउट होंगे सर ऐसा कैसा लेते हो, याद रखना ये x ऑब्लिक के बाद का ही लेने का रहता है, नहीं तो बोलेंगे ये क्यों नहीं लेते हो. a इज अ सेट ऑफ x सच दैट x, ये मेन अपना रहता है, ये है ये, इसको लेने का, ठीक है. तो यहाँ पर ये जरूरी है. तो यहाँ पर देखो 2x प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस. और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस. x और x को बाजू में लाया, 2x है प्लस का माइनस, और ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा. 3 माइनस टू हो जाएगा x, 3 बड़ा इसलिए माइनस, और ये माइनस, दोनों माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा. x इज इक्वल टू आएगा 1. और ये भी आंसर सिर्फ एक एलिमेंट आया, यहाँ पे लिखना है e इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने नहीं लिखा, d इज इक्वल टू 4. ओके, यहाँ पर भी c इज इक्वल टू माइनस टू, इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल है, ठीक है, इसमें सिंगल है, इसमें भी सिंगल है. तो दिस इज सिंगलटन सेट. ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी. अब एम्प्टी क्या होता है, जिसका आंसर नहीं आता उसको हम लोग एम्प्टी बोलेंगे. जिसका आंसर आया दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी नहीं होता. और जिसका आंसर नहीं आया उसको एम्प्टी बोलेंगे, मतलब आंसर ही नहीं है इसलिए खाली है. जैसे चार पैर वाला इंसान कभी देखा है नहीं, तो वो एम्प्टी होगा. ठीक है, तो यहाँ पर तुमको हम लोग बताएंगे, देखो क्या है, क्या करना है. अ सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मतलब किसी के टेबल में ना आने वाले. सबसे पहले तो तुमको बता दो, प्राइम नंबर मतलब किसी के टेबल में नहीं आते. स्टार्ट होते देखो वन से नहीं, टू से. टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन, किसी के टेबल में नहीं आने, सिर्फ अपने टेबल में आने वाले, तो उसको हम लोग बोलते प्राइम नंबर. इस प्राइम नंबर में कोई भी इवन नंबर नहीं है सिर्फ एक के अलावा. तुम जितने भी प्राइम नंबर देखोगे अगर इवन आ गया तो दो के टेबल में आ जाएगा. इवन प्राइम नंबर एक ही है और वो कौन सा है, टू है. तो ए का आंसर तुमको मिला कि टू है, मतलब ये खाली नहीं है, इसके अंदर आंसर आया. तो यहाँ पे लिखना है दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट. खाली रहना चाहिए तो उसको एम्प्टी बोलेंगे. ठीक है, तो ये एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है. आगे बढ़ते हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया. तुमने आंसर दे ही दिया होगा, कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब न्यू दिल्ली. ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली खाली नहीं रहा, आंसर आ गया. तो लिखना है दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट. आगे बढ़ते हैं, वाई इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन. देखो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है, लाइन्स आर इन अ सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करने वाली लाइन को पैरेलल बोला जाता है. जैसे रेल की पटरियां, जिस दिन इंटरेक्ट हो गई उस दिन वहां से रेलगाड़ी जाएगी ही नहीं. तो पैरेलल लाइन मतलब सीधा चलने वाली, इसको बोलते हैं पैरेलल. वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. और उन्होंने बोला इनका इंटरेक्शन पॉइंट पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका आंसर आने वाला नहीं है. तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग कि इट इज़ इम्पॉसिबल. ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल लिखो, यहाँ पे लिखो पैरेलल लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो डाल दिया चलेगा. और बाद में लिख देने का दिस इज
एंड एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी आया? क्योंकि पैरेलल लाइन का इंटरेक्शन पॉइंट नहीं होता, मतलब आंसर नहीं आ रहा, उनका पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो दिस इज एन एम्प्टी सेट। रीजन अगर किसी ने पूछा तो तुमको लिखना है बिकॉज पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके बाद जी में आओ, यहाँ पे बोला नेशनल नंबर, कभी भी देखने का किसका किसका बेटा है वो जरूर देखने का। नेशनल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, उसके अंदर जीरो नहीं आता, 1 से लेकर रहता है। उन्होंने बोला है कि जो झेड है ना वो 3 से बड़ा होना चाहिए या 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब झेड बीच में आना चाहिए 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता, 3 और 4 के बीच, 3 के बाद 4 है, 4 के पहले 3 है, 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर भी नहीं आता। तो यहाँ पर इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर भी तो इट इज नॉट पॉसिबल, सो ये भी एम्प्टी सेट है, दिस इज एन एम्प्टी सेट। उसके बाद ट्रायंगल हैविंग 4 साइड, ऐसा ट्रायंगल जिसको 4 साइड होती है, ट्रायंगल मतलब 3 साइड तुमको पता है, तो ये भी लिख सकते हो इट इज नॉट पॉसिबल, तो यहां पर आएगा This is an empty set। बहुत इजी था, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, जिसको हम लोग गिन सकते हैं इजीली उसको बोलेंगे हम लोग फाइनाइट, और जिसको नहीं गिन सकते उसको बोलेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ है 1 3 5 7 .. मतलब आगे कंटिन्यू है, 1 3 5 7 ऑड नंबर है, 9 11 13 15 17 ये खत्म होने वाले नहीं है, कोई भी नहीं गिन सकता, ना तुम ना मैं ना हमारे ना मेरे, कोई मतलब कोई भी नहीं गिन सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल का दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखना है इट इज अनकाउंटेबल सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। गिन सकते हैं फाइनाइट, जिसको नहीं गिन सकते इनफाइनाइट। यहाँ पर 101 102 103 1000 तक है, मतलब .. के बाद यहाँ पे खत्म हो गया है, 1000 तक तुम 1000 तक गिन सकते हो, गिन सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा इट इज काउंटेबल, सो दिस इज फाइनाइट सेट। यहाँ पे x बिलोंग टू q दिया है, और q होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर, जीरो भी, पॉइंट में, अपॉन में, जितने भी नंबर तुमको लाइफ में दिखते हैं वो सारे नंबर होते हैं रेशनल नंबर। तो उन्होंने बोला 3 से बड़ा और 5 से छोटा, अब 3 से बड़ा और 5 से छोटा 4 होता है, बहुत लोग बोलेंगे सर 4 है, तो इसका आंसर हम लोग गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल हो गया। बेटा यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं बोला है, नेचुरल नंबर मतलब 3 से बड़ा और 5 से छोटा मतलब 4, अगर नेचुरल यहाँ पे एन दिया रहता ऐसे तो वो आता 4 और हम लोग लिखते काउंटेबल, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है 3 और 5 के बीच के रेशनल नंबर, मतलब उसके अंदर 3.1 3.1 1 2 3.1 1 3 3.1 1 4 ऐसे इतने सारे नंबर है जो अपॉन में भी होंगे, ठीक है, अपॉन में भी होंगे, पॉइंट में भी होंगे, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, तो याद रखना, इसलिए यहां पर आएगा इट इज अनकाउंटेबल, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। उसके बाद यहां पे देखो नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर बोला लेकिन कहां तक नहीं बोला है, डायरेक्ट एन लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ मतलब ये भी हम लोग गिन नहीं सकते, तो यहां पर भी आएगा इट इज अनकाउंटेबल, दिस इज इनफाइनाइट सेट। ये यहां पे कंप्लीट हो गया तुम्हारा 1.2, बहुत इजी है, इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे तो भी आ जाएगा। अभी तक मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं क्योंकि सब मुझे ही करके देने पहली बार है, तो ठीक है।